लाइव तस्वीर यहाँ पसंदल चल हरियाणा के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। असंत से कैथल मार्ग पर गांववासी रघुवती खेड़ा के लोगों ने जो है जाम लगा दिया है। उनका कहना है कि कल रात बीती रात को लगभग 10 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ HP पेट्रोल पंप के पास उन दो बच्चों की जो है जान चली जाती है और ये आज जो सुबह जाम लगा दिया गया है, क्या कुछ कारण रहा है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन तस्वीर आप शेयर करें। हाँ जी, किस कारण लगा दिया जाम? यार एक्सीडेंट हो गया जी। अच्छा, तो पता नहीं दे रहे कुछ ये दे रहे। तो फिर थाने में कार्रवाई करवाते हैं? कार्रवाई नहीं कर रहे। अच्छा, अरे थाने वाले पहले ही सारा सामान लेके जा रहे हैं, कुछ छोड़ जा रहे हैं। गाड़ी दो भी रहेंगे। अब देखो ये महिलाएं भी हैं, ये भी परेशान होने लगी और जो है जाम लगा दिया है साधनों को। पूरा जो है रोड इसमें जाम हो चुका है। और पुलिस प्रशासन के कर्मचारी भी जाम में आ चुके हैं। समझ गए, क्या कारण रहा जाम लगाने का? ये रात दो लड़के यहाँ पे कोई ना तो कानूनी कुछ हमारे को राह दे रहे हैं। गाँव रंगूटी खेड़े के बच्चे थे? रंगूटी खेड़े के बच्चे। हाँ, किस किस परिवार के थे? एक कश्यप समाज से, एक वाल्मीकि समाज से। अच्छा, तो लगभग कितने बजे घटना? ये 10 बजे के करीब हुई है। तो फिर थाने नहीं पहुँचे? थाने में गए हैं जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, अब क्या मांग है? हमारे मांग यही है जी, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसको हमारे को पता लगना चाहिए। अपना नाम क्या है? जसवीर सिंह। तो इस समय ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं असंदल चल हरियाणा के माध्यम से, जो है गांव रंगरुट्टी खेड़ा वासी रोज प्रकट करते हुए। रोज प्रकट कर रहे हैं और यहां पर जाम जो है सड़क पर लग चुका है, साधनों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। असंद कैथल मार्ग पर ये जाम है, दो युवा बच्चे जो है एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और कि बड़ी संख्या में गांववासी यहां पर पहुंचकर सड़क पर जाम लगाए हुए हैं कि वो न्याय की गुहार लिए यहां पर बैठ चुके हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। आताऊ, हाँ जी भाई, क्या दिला दिया जाम में? जाम लगा भाई छोरे मरे हमारे दो, यू कोई कार्रवाई नहीं करना है ना, यू फोटो फूट दिखान ला है ना, पुलिस आई ना, को कार्रवाई होना है भाई। एक्सीडेंट मारे गए सांझे रगड़ी बतावे है हमारे आए थे। थाना में नहीं गए? थाने में गए, थाने वाले कोई आंदा ना कोई सुनाई करे ना कोई आंदा ना कोई जानदा पुलिस वाला। अच्छा, हाँ जी, तो ये क्या मांग है? ये मांग है जी को कार्रवाई हुआ पकड़ा किसने तो एक्सीडेंट करा छोरे मारे मारे दो मारे, फिर जाम लाना समाधान है? हाँ होएगा, कोई तो आवेगा SP DSP को पुलिस तो कुछ आवेगी हमारी सुनाई होगी। अच्छा, हाँ नहीं आवा तो हम बैठे हमने सड़क में बनाना मोबाइल की फोटो आई है ना, मोबाइल के अंदर एक लड़के ने दिखाया है। अच्छा जी, जिस टाइम एक्सीडेंट होया है ना उस टाइम कहा छोटी कार से होया है। अच्छा जी, और कार के शीशे वगैरह सब कुछ रखी जा रही है। तो फिर पुलिस भी है वहाँ पर, जेंट पुलिस भी आ ली है, तो वो कार के मतलब पूरा प्रूफ मिट चुका है। अच्छा, तो उसमें हमारे को थोड़ा दिल में महसूस है, अभी हमारा पेटा नहीं भर रहा, पेटा नहीं भर रहा। जे मतलब हमारे बच्चे मर के कोई बात नहीं हो, तो भाई भगवान ने जो करता तो भाई अच्छा या बुरा भाई हो तो उसने पता, लेकिन जब मौजूदगी के अंदर जो कार का सामान पड़ा वो गायब क्यों हो गया? अच्छा अच्छा, उसका कारण सामान भी सबूत मिटा दिया, मौके पर कुछ नहीं है बिल्कुल, इतना भी चिट्ठी नहीं है, इतना चिट्ठी वगैरह सिर्फ मोटरसाइकिल का सामान था छोड़ का, बाकी कार अरे बंद कर रहा है हमारा, यही आश्वासन है भाई कर्मचारी हमारा पेटा भरते भाई, कार का सामान कड़ा गया, चलो मैंने सबर आ जी, यही जा हमारी। तो इस समय महिलाएं भी यहाँ खड़ी है सड़क पर और ये देखिए, और इस समय ये देखिए जो है झाड़ियां सड़कों पर डाली और नारेबाजी भी यहाँ शुरू हो चुकी है प्रशासन के खिलाफ, और मुर्दाबाद।
नारेबाजी यहाँ प्रशासन के खिलाफ की जा रही है। कहीं ना कहीं ग्रामवासी जो है असंतुष्ट हैं न्याय को लेकर के, न्याय की मांग को लेकर के वो इस समय सड़क पर बैठे हैं। यहाँ पर जो है देखिए सभी जो है परेशान हो चुके हैं, रास्ता यहाँ अवरुद्ध हो चुका है, ट्रैफिक वापसी बंद हो चुका है और सभी लोग जो है ये प्रशासन के खिलाफ हरियाणा सरकार के भी खिलाफ जो है नारेबाजी अब यहाँ शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन न्याय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अब जो है साधन लेकर के सभी लोग जो है अपने बैक कर रहे हैं और यहाँ से निकलने की रास्ता डाइवर्ट हो चुका है। गांव रंगुट्टी खेड़ा के दो युवा बच्चे जो है कल रात एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और न्याय की मांग को लेकर के आज सुबह ही गांववासी जो है सड़क पर बैठ जाते हैं कि उनको कहीं ना कहीं असंतुष्ट वो नजर आए कि जो एक गाड़ी थी उसके एक्सीडेंट उससे हुआ है और उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पड़े हुए थे, अब वो पार्ट्स यहाँ पर नहीं हैं। इसको लेकर के ग्रामीणों में रोष है। गांव रंगरुट्टी खेड़ा असंध, जिला करनाल, हरियाणा राज्य की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से दोनों ओर सड़क जाम हो चुकी है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। चारों का बंद करा सारी संध के। अच्छा, शहर में कुछ पड़ेगा नहीं, गोला जाम कर देना जमीन। अच्छा, सारी सड़क कटे 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 जेत जाएंगे, नहीं आवेगा प्रशासन, नहीं गौर करेगा, बस और कोई राय नहीं। तो आप प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के नाराज हैं? गरीब के बच्चे नहीं जाते, नहीं गरीब के बच्चे जाकर क्या बात हो रही है यार? दो दो आदमी गए, बच्चे भी गए। क्यों ताऊ, गरीब और अमीर के लिए कानून अलग अलग है? अलग अलग हो रहा है, गरीब को तकड़े को कदी नहीं बन जाता कानून। अच्छा, ग्रामीणों में रोष है भाई और ये तो कहा जा रहा है कि गरीबों के प्रति और अमीरों के प्रति कानून का रवैया अलग है। यदि अमीर किसी व्यक्ति का होता है तो कार्रवाई हो जाती है, तो गरीबों के कारण ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि हम गरीब हैं इसलिए हमारी कार्रवाई को अनदेखा किया जा रहा है। देखना होगा तस्वीरें किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं और इस समय फिलहाल जो है सभी साधन जो है वापसी जाते हुए और जो सभी व्यक्ति हैं। हाँ जी, पूरी तरह से लूट मार करा, फिर कैमरे किस तरह चालू हो जाएंगे? फिर किस कैमरे चालू हो जाएंगे? आदमी आ रहे उड़े, दोनों को दोनों उड़ा रहे हैं छोरे। इसमें यार नजदीक एक्सीडेंट है, नजदीक आयो देखो, सामने जाकर देखो, देखो बिल्कुल सामने, देख लिया वहाँ बीचों बीच है, बीच में लेट रहे थे बच्चे। अगर कोई तो वीडियो बन जाएगी। बड़े नाराज हैं, ना तो मान ले मोटरसाइकिल का कंच है कहीं भी, ना मोटरसाइकिल टूट रही, लेकिन क्यों कर मरे हैं बच्चे? उसमें के प्रशासन तो फिर और इस समय जो है महिलाएं भी स्कूटी लेकर के पहुंची हैं, लेकिन वो लाइन में खड़ी। गांव रंगरुट्टी खेड़ा की युवा दो बच्चे जो कि दो घरों के चिराग जो है बुझ गए और उसको लेकर के ग्रामीण जो है असंतुष्ट हैं, पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने जाम लगा दिया है। उनका कहना है कि यहां पर जो गाड़ी के पार्ट्स पड़े हुए थे वो यहां पर नहीं हैं और ये व्यक्ति जो है आरी लेकर के पहुंचा है, आरी लेकर के यहाँ पहुंचा है कि कहीं ना कहीं अब जैसे दिखाई दे रहा है क्या कुछ करने वाले हैं। ये तस्वीरें आगे इसमें बढ़ती हुई गांव और रंगरुट्टी खेड़ा और पेड़े काटोगे फिर तो राज वहाँ परमानेंट रोक दोगे? कमरे से दूर चालू बात तो करो, थाना में कोई बात तो करो, कोई बात करेगा हम यहाँ बैठे मारी आके सुनो।
वो फिर क्या है मानसे में दे। अच्छा हमारी कोई सुनाई नहीं वहाँ पे, कोई पता लगे जब सवेरी लड़के के माँ बाप ने भी पता लगे, वो भी 7:30 बजे लगे जब भी की 10:03 पे एक्सीडेंट हो गया। और इतने टाइम के बाद भी यार फिर भी इसमें कोई हो नहीं, सारे 10-15 वह भी पुलिस मतलब प्रशासन का नहीं होने दी क्योंकि सवेरे पता दे रात के 10 बजे का केस है सवेरे तो मतलब जब कि प्रेजेंट सबूत है मोटरसाइकिल है नंबर है आरसी सब कुछ है तो उस टाइम आदमी को पता दें दे तो कुछ न कुछ मतलब आदमी तो अपना पेटा भरने के लिए तो कुछ न कुछ करे है। तीसरी बात यही है कि भी पुलिस प्रशासन आने का जे इस चीज पर गौर करे तो शायद इसका मसला हल हो सके है। पुलिस प्रशासन भी कोई नहीं है रहा तो रोज है जिनके बच्चे मर रहे हो तो ये सभी मजदूर आदमी है सर, कोई पैसे वाली या जमींदार दायक वाली पार्टी होती तो अपना कटवा लेंदा। हम तो मजदूर आदमी है सर, हमारी इतनी औकात नहीं है, तभी तो ये काम हो रहा है सर। हमारे साथ कोई प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता क्योंकि हम मजदूर है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। मजदूर ऐसे ही हो जाएगा जिनका मजदूर की कोई सुनाई नहीं है। तो अभी तक यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रशासन का अधिकारी जो इस मामले को सुलझा सके वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं और ग्रामीणों का रोष लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पर अब पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काट करके जो है सड़क के बीचों बीच लकड़ी डाली जा रही है और जाम जो है लगातार बढ़ता हुआ नाराजगी लोगों की जो है बढ़ती। अब देखिए खेतों में से जो है साधन आना शुरू हो चुके हैं, खेतों में से सभी साधन आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ कतारें लग चुकी हैं सभी साधनों की। कल यहाँ पर सड़क के बीचों बीच जो है एक्सीडेंट होता है और दो युवा बच्चे गांव रंगरोटी खेड़ा के उस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कार्रवाई को लेकर के असंतुष्ट हैं ग्रामीण और ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर जाम लगा दिया गया है।